अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो आज मेरे पास है डेल की लैटिट्यूड सीरीज़ की E5400 सीरीज़ की लैपटॉप है। ये 8 जनरेशन में होती है, तो इसकी जो है वो हम सर्विस करेंगे और इसमें रैम की स्लॉट कितनी होती हैं और हार्ड इसमें NVMe लगती है, ये तरीका कार आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे तो पहले आपने जो इसकी बैक साइड पे पेचेज़ हैं वो सारे मुकम्मल खोल लेने हैं आपने, तो फिर उसके बाद जो है वो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि इसमें इशू था। ये काफ़ी लैपटॉप हीट अप हो रहा था, तो इसकी प्रोसेसर की पेस्ट मुकम्मल तौर पे मुझे लग रहा था कि खुश्क हो गई है, तो इसी वजह से ये लैपटॉप खोल रहा हूँ मैं, तो इसकी नई पेस्ट जो लगाएंगे तो इसके बाद इसे मदरबोर्ड को अच्छी तरह साफ़ करेंगे। सबसे पहले आपने बैटरी के जैक उतार लेना है, उसके बाद आपने जो है वो ये फ़ैन के पेचेस वगैरह खोलने हैं। इसमें रैम की 2 स्लॉट होती है, अभी इसमें एक लगी हुई 8 GB की सिंगल और इसमें NVMe कार्ड लगता है SSD। अच्छा तो इसके फ़ैन के पेचेस मैंने खोल लिए हैं, अब इसके प्रोसेसर के ऊपर ये 4 पेचेस लगे हैं, ये मैंने खोल लिए हैं और आराम से इसका फ़ैन ऊपर की तरफ उठाना है। इसका फ़ैन का जैक आपने लाजमी एहतियात से उतार लेना है, इसके लॉक लगे होंगे तो आपने एहतियात से इसके लॉक वगैरह जो है वो खोलने हैं। अब इसके बाद जो है वो आपने हीट सिंक को आराम से उठाना है ज़रा, ताकि इसका जो है हीट सिंक वो टेढ़ा ना हो जाए। थोड़ी सी गलती मैंने भी कर दी है लेकिन बचत ही है। आपने हीट सिंक को एहतियात से उतारना है ताकि हीट सिंक आपका बेंट ना हो जाए, मतलब हीट सिंक बेंट हो गया तो मतलब आपको फिर हीट सिंक नया ही लगाना पड़ेगा। इसका प्रोसेसर फिर पेस्ट लगाने के बावजूद भी हीट अप रहना शुरू कर देगा, मतलब फ़ैन तक इसकी हवा ही नहीं पहुंचेगी तो फिर ये कैसे प्रोसेसर को कूल करेगा फ़ैन, तो इसलिए आपने एहतियात से हीट सिंक उतारना है। अच्छी तरह ब्रश से मैंने मदरबोर्ड को साफ़ कर लिया, अब पुरानी पेस्ट जो खुश्क हो चुकी है वो मैं टिशू की मदद से या किसी नरम कपड़े की मदद से इसे अच्छी तरह प्रोसेसर की पुरानी पेस्ट को साफ़ करूँगा। फिर उसके बाद जो हीट सिंक के साथ जो पुरानी पेस्ट लगी हुई है हमारी वो भी अच्छी तरह साफ़ करूँगा। हीट सिंक हमारा साफ़ हो चुका है, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि ज़्यादा तो नहीं बेंड हो गया, लेकिन जो है वो अभी बचत ही है इसकी, ज़्यादा मसला नहीं हुआ इसे। अब इसकी प्रोसेसर पे जो है वो मैं पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट आपने देखना है एहतियात से, इसमें ना ऑयल वगैरह होता है थोड़ा बहुत, तो वो आपने एहतियात से ज़रा देख लेना है पेस्ट लगाने से पहले। अब मैंने इसके जो है मिरर पे पेस्ट लगा दी है, अब मैं एहतियात से फ़ैन हीट सिंक रखूँगा ऊपर, फिर हीट सिंक के पेच लगाऊँगा, फिर फ़ैन रखूँगा, फिर फ़ैन के पेच लगाऊँगा, उसके बाद बैटरी का जैक लगाऊँगा और जो है वो इसकी बैक टॉप वापस लगाऊँगा, तो अच्छी तरह लैपटॉप जो मैंने वो बंद कर दूँगा।
ये लैपटॉप जो है वो अब मुकम्मल तौर पे मैंने बंद कर लिया अपना। अब इसे मैं ऑन करूँगा, इसका डिस्प्ले चेक करूँगा। इंटरनल तौर पे तो मैंने इसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। अब इसे जो है उसके कीबोर्ड पे प्रोटेक्टर लगा हुआ है, इसे उतारूंगा, नया प्रोटेक्टर लगाऊंगा और इसकी स्क्रीन, इसका सारा बाहर से भी मुकम्मल लैपटॉप अच्छी तरह क्लीन करूंगा। तो आज की वीडियो हमारी मुकम्मल हुई।